हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल देसी कपल ऑन द गो, जिसमें मैं मेघा और मैं सौरभ लेकर जाते हैं आप लोगों को बहुत सारे प्लेसेस। और आप देख रहे हैं हमारी इटली ट्रैवल सीरीज। और पीछे का बैकग्राउंड देख के आपको पता ही चल गया होगा कि हम लोग हैं वेनिस में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे पुराने पार्ट जरूर देखिए, ताकि आपको पता पड़े कि हम लोग यहाँ कैसे पहुँचे और हमने कैसे इस अमेजिंग ब्यूटीफुल सिटी को एक्सप्लोर किया। क्योंकि ये है डे टू हमारा वेनिस का। डे वन हमने प्रीवियस एपिसोड्स में कवर कर रखे हैं। वैसे आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोग आज वापस इस वेनिस की स्ट्रीट्स में घूमेंगे और जो कुछ प्लेसेस रह गए हैं हमारे कल के ट्रिप से वो एक्सप्लोर करेंगे। और शाम को हम एक करने वाले हैं एक सरप्राइज प्लान। हम लोगों के लिए सरप्राइज नहीं है, आप लोगों के लिए वो सरप्राइज होगा। वैसे आप गेस कर ही सकते हैं कि अगर वेनिस आए हैं तो एंड कैसे होना चाहिए। अगर आप कर चुके हैं तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। बट इट्स नाउ टाइम टू एक्सप्लोर दिस ब्यूटिफुल सिटी फॉर डे टू। लेट्स गो। मेरे पीछे जो है ये ग्रैंड कनाल है। ग्रैंड कनाल क्यों है वो मैं बताती हूँ। पहले इसका कलर देखिए, इट्स ब्लूइश ग्रीन कलर का पानी है इसका। वेनिस जो है वो एक आइलैंड है और यहाँ पर है बहुत सारे कैनाल्स, अप्रॉक्सीमेटली 150 कैनाल्स हैं। तो अगर कैनाल्स को अपन रोड माने तो जो ग्रैंड कनाल है वो हाईवे है। और ये हाईवे जो है ये अराउंड 3.5 किलोमीटर्स लंबा है और एड्रियाटिक सी जो है वहाँ जाके मिल जाता है। इसको अगर आपको घूमना है तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक तो गंडोला है जो सभी जानते हैं, या फिर आप वाटर बस के थ्रू घूम सकते हैं या टैक्सी कर सकते हैं, वाटर टैक्सी वो कर सकते हैं जो हम लोगों ने करी थी जब हम वेनिस में आए थे और ग्रैंड कैनाल के थ्रू एंट्री किए थे, तो वो कर सकते हैं। या फिर आप इस कैनाल के बाजू बाजू में ऐसे वॉक कर सकते हैं विच इज़ फ्री ऑफ चार्ज। और या तो इतने सारे ब्रिजेज़ हैं, अप्रॉक्सीमेटली 400 ब्रिजेज़ हैं, वैसे सब कुछ ग्रैंड कैनाल के ऊपर नहीं है। जो ब्रिज है जैसे रियाल्टो ब्रिज है या जो मेरे पीछे अभी आप देख रहे हैं वो अकेडमिया ब्रिज है, इसके ऊपर से वॉक करके भी ग्रैंड कैनाल को इन्जॉय कर सकते हैं। हम लोग जा रहे हैं एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट देखने जिसका नाम है सल्यूते। और ऐसी नैरो सी लेन्स हैं जैसे आपने हमारे पुराने वीडियो में भी देखा होगा। और ऑफकोर्स अगेन डेस्टिनेशन तो अच्छा होगा ही, नो डाउट अबाउट इट, बट वहाँ पहुँचने तक का जो रास्ता है और जो बीच में ऐसे स्क्वेयर्स आते हैं और हेलीकॉप्टर की आवाज़ जो पूरे टाइम आती रहती है वेनिस में, हेलीकॉप्टर की आवाज़ छोड़ के बाकी सब बहुत ही अच्छा है। हम पहुंच गए हैं सल्यूते पे, कॉमनली नोन एज सल्यूते। असली नाम क्या है वो मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ये एक्चुअली एक चर्च है। बहुत ज़माने पहले अराउंड 1630 में यहाँ पे प्लेग आया था और बहुत डिवास्टेटिंग प्लेग आया था। और उससे बचने के लिए इन लोगों ने प्रे किया था और फिर सोचा था जब अगर सब ठीक हो जाएगा तब बनाएंगे ये चर्च। तो ये चर्च है और बिल्कुल लगून में, मतलब लगून के पास सबसे पहला जो चीज़ दिखता है वो ये दिखता है, द मजेस्टिक चर्च बसिलिका। आगे चलते हैं और आगे से देखते हैं कैसा लग रहा है। ये इसका साइड व्यू है और आगे का व्यू कैसा है वो देखते हैं।
पीछे आपको मेरे बेल टावर दिख रहा है, वो बेल टावर के ऊपर एक गोल्डन कलर का स्टैचू है। तो अगर आप बेल टावर के ऊपर जाते ना तो वहाँ से दिखता ये डोम का बहुत ही अच्छा व्यू। वैसे ये डोम ना बहुत सही जगह से दिख रहा है, अकेडमी ब्रिज से भी दिख रहा है, ग्रैंड कैनाल पे अगर आप टैक्सी में या गंडोला राइड कर रहे हैं तो भी इसका डोम दिखता है। ब्यूटीफुल सा डोम है, बट जिसका एंट्रेंस है उस पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सो यू कांट रियली सी द मेजेस्टिक थिंग हियर क्योंकि पूरा कंस्ट्रक्शन है। बट अंदर जा सकते हैं, तो लेट्स सी अगर अंदर जाके, अंदर मतलब थोड़ा सा अंदर जाके देख सकते हैं, अगर शूट कर सकते हैं तो आपको ये अंदर से भी दिखाते हैं। सो नाउ लेट्स गो इन एंड सी इफ वी कैन सी हाउ इट इज फ्रॉम इनसाइड। आ गए हैं बाहर चर्च के। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसका एंट्री इज फ्री, बट हाँ शूटिंग नहीं कर सकते थे तो अंदर से आपको दिखा नहीं सके। बट सबसे मज़ेदार बात क्या थी इसके अंदर, यहाँ पे कन्फेशन रूम्स थे। अगर आपने इंडियन मूवीज़ देखी हैं तो उसमें कन्फेशन रूम्स के बहुत सारे सीन हैं जहाँ आप जाके कन्फेस कर सकते हैं, वैसे ही पॉसिबल था इस चर्च के अंदर भी। दिखा नहीं सके, बट अगर आप वेनिस आते हैं और चर्च देखना चाहते हैं अंदर से फ्री में, दिस इज़ फॉर यू। अगर आप सोच रहे हैं कि हम ये गंडोला में और बाकी लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, तो ये शेयर्ड गंडोला है जो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड लेके जाती है सिर्फ 2 यूरोज में। हम लोग जा रहे थे पैदल और आज तब पैदल चलने का इतना मन नहीं था, एंड वी फाउंड आउट दिस जो सिर्फ 2 यूरोज में यहाँ से वहाँ लेके जाती है, जैसे दुबई में भी लेके गई थी वो 1 दिरहम में, वैसे ही इट मेक्स आवर लाइफ ईजी। हम लोग थे आइलैंड के उस पार्ट पे जो आपको वो डॉम दिख रहा है सलूटे का, वहाँ पर एक ऑप्शन था कि हम वहाँ से वापस पूरा पैदल वॉक करते और जैसे कल आए थे हम सैन मार्को स्क्वायर वहाँ वैसे आते। ऑलमोस्ट 25 मिनट का वॉक था, बहुत गर्मी हो रही है, तो मेघा ने बोला नहीं अगर वॉक करना है तो फिर अभी वॉक नहीं करेंगे, वो तो बाद में वॉक करेंगे इवनिंग में। बट देन एक ऑप्शन था वाटर बस का, वो वहाँ बहुत भीड़ थी और हमारे पास टिकट नहीं था क्योंकि टिकट आपको पहले से परचेस करना पड़ता है अलग अलग शॉप से। फिर थोड़ा आगे आए हम सल्यूट से, वहाँ पर हमको दिखा गंडोला, ये जैसा पीछे की तरफ है वहाँ पर गंडोला का पूरा एरिया था और वहाँ से आप प्राइवेट गंडोला कर सकते हैं, बट वहाँ पर 2 यूरो में आप ये आइलैंड क्रॉस भी कर सकते हैं। और हम लोग 2-2 यूरो 4 यूरो में उस आइलैंड से इस आइलैंड आ गए ओनली इन 2 मिनट्स। वी सेव मनी and also we saved our effort for the day. I was like कि इतनी धूप में चलना होगा, तो होता क्या है वॉक तो एक है प्लस पूरा सन आपकी एनर्जी ड्रेन करता है, तो डबल द अमाउंट ऑफ आपको टायर्सम लगता है जब आप वापस घर या होटल पहुँचते हैं। बट अभी तो हमारी इटली ट्रिप शुरू हुई है, डे टू है, अभी तो हमें जहाँ जाना है वहाँ तो हमें ट्रैकिंग करना है, सो वी नीड टू सेव आवर एनर्जी, बट दिस गंडोला राइड रियली हेल्प्ड।
आखिर हम उस आइलैंड से इस आइलैंड की तरफ आई क्यों? ग्रैंड कनाल को क्रॉस करके पूरा सैंड मार स्क्वायर भी क्रॉस किया है, आए हैं हम एक्चुअली एक बुक स्टोर देखने. करेक्ट, यहाँ पे है एक लाइब्रेरी जिसका नाम है एक्वा अल्टा लाइब्रेरी, और कहा जाता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल लाइब्रेरी है. और देखते हैं इसे अंदर, बहुत सारे बुक्स हैं यहाँ पर और सुना है कि बहुत सुंदर भी है. सो अंदर से एक्सप्लोर करते हैं. बहुत भीड़ हो सकता है अंदर, तो पॉसिबल नहीं होगा ज़्यादा वहाँ पे बात करना. अगर होगा तो ऑफ कोर्स, बट शूट ज़रूर करेंगे. लेट्स गो इन. इस लाइब्रेरी में इतने सारे बुक्स हैं, पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? बाथटब के अंदर बुक्स भरे पड़े. ये जो है फन कॉक, ये अगर आप नेदरलैंड्स एम्स्टर्डम आते हैं ना, तो इसके बहुत सारी पेंटिंग्स दिखेंगी. ये टच फेमस पेंटर है. और घूमते घूमते हमें मिली है ये कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया. और देखिए इसमें क्या लिखा है, मैं 30 वर्षों से भारत आ रहा हूँ, मैंने रंगों का इतना प्रभाव विश्व में और किसी देश में नहीं देखा. और यहाँ इटालियन में सेम चीज़ लिखी है, एंड इट हैज़ ऑल डिफरेंट पेंटिंग्स. यहाँ पे लिखा है दक्षिण एशियाई क्षेत्र जिसके केंद्र में भारत है, कि कला और सांस्कृतिक प्रभावों ने स्वयं को ऐसी मिट्टी में बोया है जो भौगोलिक और मौसमी, इतनी हिंदी, मौसमी परिस्थितियों, सांस्कृतिक परंपराओं, लोगों ने रूप को खुद भी समान रूप से निविध है. या सो इट हैज़ गॉट ऑल डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पेंटिंग्स. इट्स अ बिग बुक. इट्स अ विंडो ऑन कंटेम्प्रेरी आर्ट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. This work that unites tradition and modernity, revealing the extraordinary and time-honored skill of miniature art in this region. India ki book. इधर ये books का steps बनाया हुआ है. तो logic तो ये है कि books पढ़ो और climb up the steps. But of course, लोग यहाँ ऊपर चढ़ रहे हैं और picture खिंचा रहे हैं. और ये one of the most Instagrammable library, और उस library में सबसे ज़्यादा Instagrammable place है. देखिए लिखा भी है, follow the books. Steps climb, go up. देख लिए, आपको भी दिखाया इंस्टाग्रामेबल लाइब्रेरी है एक्चुअली. कहीं तो गंडोला में रखे हैं बुक्स, कहीं बाथटब में रखे हैं, कहीं ड्रम्स में रखे हैं, स्टेप्स बना रखे हैं बुक्स के. वेरी डिफरेंट टू व्हाट वी यूजुअली कंसिडर बुक्स टू बी. बट अगर आप एनएस आते हैं और आपको बुक्स का शौक है और आप देखना चाहते हैं एक डिफरेंट टाइप का यूनिक लाइब्रेरी, then this is the place for you. Entry free है, आराम से आप बैठ सकते हैं और गंडोला में पिक्चर भी खिंचा सकते हैं. वहीं पर जाइए और गंडोला रखा हुआ है फ्री में, गंडोला में पिक्चर खिंचा लीजिए. टेम्परेचर्स बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं और बहुत गर्मी लग रही है, तो अब चलते हैं वापस, हेड बैक टू होटल, बिकॉज इवनिंग में घूमने आना है और उसके लिए एनर्जी बचा के रखनी. और जाएंगे कैसे? 2 यूरो की गंडोला राइड से. बैठ गए हम लोग हमारे वापस शेयर्ड गंडोला में, जहाँ से आए थे उस तरफ वापस जाएंगे. वेट कर रहे हैं और पैसेंजर्स का, 6 लोग जाते हैं, तो जैसे अपने नहीं होता है शेयर्ड ऑटो, उसी हिसाब से है शेयर्ड गंडोला. तो वेट कर रहे हैं, बस दिक्कत यह है कि इतनी भरी धूप है. और वैसे हमें पता था जुलाई में इतनी भरी धूप होगी, बट हमारे पास ऑप्शन भी यही था. सो बट वी डोंट रिग्रेट इट, वेनिस एंजॉय कर रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है.
फन है इनका। हमारी शेयर्ड गंडोला में हम दोनों थे और थे चार गंडोला को चलाने वाले, और जो गाना गाते हुए आए ना, कुछ तो फन चल रहा था उन लोगों का। बट अगेन वी आर बैक टू आर आइलैंड और अब चलते होटल में और रेस्ट करते हैं। टायर्ड, आई कैन रिमूव दिस ऑल्सो। कितनी बार मैंने शायद बताया होगा, पूरे वेनिस ट्रिप में ये हेलीकॉप्टर का आवाज़ इतना आ रहा था, अभी भी उधर हेलीकॉप्टर चल रहा है। और अब जाके ना ये मिस्ट्री सॉल्व हुआ है, वेनिस में चल रही है G20 की समिट, और इसलिए ये हेलीकॉप्टर पूरे दिन भर, और एक नहीं ऐसे दो तीन हेलीकॉप्टर्स पूरे दिन भर वेनिस के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं। और पुलिस भी आज तो बहुत सारी है। तब जाके पता चला कि G20 का समिट चल रहा है। ऑफ कोर्स इंडिया का भी कोई ना कोई तो रिप्रेजेंटेटिव आया होगा, बट वी डोंट नो कौन आया है। अगर आपको पता है कि कौन आया है इस ईयर की G20 समिट में, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिल तो हम सकते नहीं हैं, इतना सिक्योरिटी है, बट वी आर स्टिल क्यूरियस टू नो कि हु हैज़ कम फ्रॉम इंडिया। सो सॉरी, टेल पीपल व्हाट्स योर थियरी। थोड़ी फनी स्टोरी है। तो जैसा मेघा ने बताया, हम लोग यहाँ बैठ के ये ओल्ड स्क्वायर वेनिस में एंजॉय कर रहे हैं। आई वॉज टॉकिंग टू मेघा कि अगर अपन कॉलेज में होते या नहीं शादी हुई होती तो ऐसे बैठ के अपन लोग बात कर रहे होते और इवनिंग स्पेंड कर रहे होते। अभी मगर थोड़ा सा हम लोग ऐसे बैठ गए थे ताकि बात भी करते रहें और सब कुछ दिखता भी रहे आसपास का। कुछ और साल हो जाएंगे साथ में ट्रैवल करते करते रहते रहते, तो एक सामने हमें कपल दिखा। फिर मैंने बोला कि हो सकता है कि अपन उसकी तरह वैसे बैठ के फिर अपनी इवनिंग स्पेंड करेंगे। और वो लोग कैसे बैठे हुए, वो लोग टोटली ऐसे बैठे हुए हैं और वो टोटली उनको सिर्फ सामने का दिख रहा है। तो बात करने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, जस्ट अ फनी वन। अभी दिखाता हूँ आपको कि वो लोग कैसे बैठे हुए हैं सामने। क्या लगता है आप लोगों को, सौरभ का ये जो थियरी है ये ट्रू है क्या? मुझे लगता है या मे बी इट्स पॉसिबल कि ऐसा हो जाए, बट हो सकता है ऐसा ना हो। बट आपको क्या लगता है, क्या आपके साथ ऐसा ही हो रहा है धीरे धीरे, चेयर्स के एंगल बदल रहे हैं? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, वी वुड लव टू नो। अब हम जा रहे हैं गंडोला राइड करने। आप देखना चाहते हैं वेनिस में गंडोला राइड कैसे होती है, कितने यूरोस की होती है, और क्या वो सही में रोमांटिक है? अगर ये सब आपको देखना है तो देखना होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो जो कि जल्द आ जाएगा। बट आपको ये वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना है, आपको पता ही है, दोनों का नाम लिख दिया है। See you in our next video. Till then, bye-bye. And it will be about gondola ride. Pakka dekhiyega.